मॉर्गन यार जो है, मॉर्गन यार बढ़िया खिलाड़ी है यार, बड़ा प्लेयर है वो, बड़ा प्लेयर है। ये सारे जो है क्वार्टर हैं, आरएस के क्वार्टर हैं। वो भाई साहब शिवाश रिगल की जो है 2 लीटर वाली बोतल है, 2 लीटर वाली जो ड्यूटी फ्री आते हैं ना, हमारे दोस्त लेके आता है वो है भाई वो। तो आज था सुपर सैटरडे जहां पर भिड़ी दो टीमें, और जो भिड़ती हुई कम और घसीटती हुई ज्यादा लगी। तो पहले बात करते हैं कोलकाता और पंजाब के मैच के बारे में, जहां पर एक मामूली रन चेज में जो है मामूली हार यहां पर हो गई है पंजाब की टीम की, 2 रनों से हारी आज। ये मामूली हार के बारे में क्या कहेंगे शास्त्री जी आज? भाई मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा आईपीएल और बीसीसीआई की जो मैनेजमेंट है उससे कहना चाहूँगा कि भाई आपको अगर दुबई में ऐसे ही मैच कराने थे तो इसका इससे तो नहीं कराते आप, क्योंकि भाई इतने स्लो मैचेस हो रहे हैं भाई। मतलब यार वो भी जो है, मतलब जो हमारी इंडिया की जो ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है, उसको भी शर्म आ जाए कि भाई तुमसे तेज मैं भाग लेती हूँ। भाई दो दो इनिंग में, मतलब दो इनिंग होती है एक मैच में भाई, मैं एक एक इनिंग में जो है तीन तीन बार सोया, इतना बोर हो रहा था मैं, इतना बोर हो रहा था। और जब जागा भी तो झाक के देखा मैंने कि वहां पे जो है जय की जगह जो है वीरू मर गया। ये कौन सी शोले है भाई, कौन सी शोले है यार, कौन सी शोले बना रहे हो यार आप? मतलब दिमाग खराब हो गया यार, दिमाग खराब हो गया। मतलब पैसा और मूड दोनों बर्बाद यार, दोनों बर्बाद। क्या करूं मैं, मर जाऊं, फांसी लगा लूं, क्या करूं यार, मैं समझ नहीं आ रहा मुझे। हाँ वो बढ़िया होगा। हाइलाइट्स विद कवि शास्त्री। कवि शास्त्री। तो पहले बल्लेबाजी आई करने के लिए कोलकाता की टीम, जहां पर आते ही राहुल त्रिपाठी और साथ ही साथ नीतीश राणा आउट हो गए, लेकिन ओयन मॉर्गन ने जो है पूरी पारी को संभाल लिया शास्त्री जी आज। भाई मैं पहले भी कह चुका हूँ, खैर त्रिपाठी तो नया लड़का आया है, ये जो है नीतीश राणा यार, पिछली बार भी जो है राणा जी हमें माफ करना, गलती हमारे से हो गई, ये गाना जो है उल्टा केकेआर से बजवा के चला गया था। भाई आपको T20 खेलना है, नहीं खेलना है आप मत खेलिए इसको, जो है टेस्ट मत बनाइए। वहां पे भाई बल्ला है, बल्ले को हिलाइए यार, बल्ले को हिलाइए अपने जो है भाई, अंदर आउट होके चले जाते हैं भाई, बाद में क्या क्या करते हैं उसका हिला के, मतलब क्या हिलाते हैं फिर बाद में आप, क्या 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 हिलाते हैं भाई, सर हिलाते हैं अपना कि भाई अब तो आउट, मतलब आउट हो गए, टीम मैच हार जाएगी, ये चलता है वहाँ पे, ये चलता है वहाँ पे। आज नशे में है यार, कुछ उल्टा सीधा बोल देना, माफ़ कर देना हमें, माफ कर देना। लेकिन भाई मॉर्गन यार जो है, मॉर्गन यार बढ़िया खिलाड़ी है यार, बड़ा प्लेयर है वो, बड़ा प्लेयर है। ये सारे जो है क्वार्टर हैं, आरएस के क्वार्टर हैं। वो भाई साहब शिवाश रिगल की जो है 2 लीटर वाली बोतल है, 2 लीटर वाली जो ड्यूटी फ्री आते हैं ना, हमारे दोस्त लेके आता है वो है भाई वो। कितने पैक पी लो खत्म ही नहीं होती। मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया, बढ़िया खेला मॉर्गन, अच्छा खेला। जी हाँ, एंड मॉर्गन तो काफ़ी बढ़िया खेले, लेकिन आज जो आपके फेवरेट प्लेयर हैं दिनेश कार्तिक, आज उन्होंने भी 50 लगा ही दी, फाइनली कप्तानी पारी खेली थी, 2 छक्के भी लगाए उन्होंने अपनी पारी में, फॉर्म में नजर आ रहे हैं भाई। ये जो प्लेयर है मैं बताऊं आपको, ये जो प्लेयर है भाई, ये बिना गाली के जो है आगे बढ़ता नहीं है, परफॉर्म नहीं करता। मेरे को फोन करके बोलता कि शास्त्री जी आप मेरे को जो है गाली देते हो। मैंने कहा नहीं यार, मैं किसी को गाली नहीं देता, मैंने तो बस आपका नाम लिया था। बोलता आप गाली दो या ना दो, मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। मैंने कहा अबे चल साले भोसड़ी के, मैंने ये कहा उसको और भाई आज जो है रन बना दिए। अगर मुझे पता होता कि सिर्फ साला बोलने से जो है वो रन बना देगा, मैं पहले बोल देता। अच्छा, तो वहां पर शास्त्री जी के कहने से दिनेश कार्तिक ने रन बनाया, लेकिन अगर बात करें पंजाब की बॉलिंग की तो क्या कहेंगे पंजाब की बॉलिंग के बारे में? अगर कोलकाता ने की बात करें तो वहां पर उन्होंने जो रन बोर्ड पर जो है 164 रन बना दिए, लेकिन पंजाब की बॉलिंग के बारे में क्या कहोगे भाई? पंजाब की बॉलिंग के बारे में जो है 2 लाइन लिख के लाया हूँ, आप जरा सुनिए, बड़े गौर से सुनना, इंसानों की तरह जो है ये बकरे की शक्ल के साथ बढ़िया से दाद दो और सुनो क्या कह रहे हैं शास्त्री जी, महान शास्त्री जी। शमी आ गया है लाइन पे, वाह, शमी आ गया है लाइन पे, अब लगे हैं कुंबले काम पे। क्या बढ़िया लाइन है, क्या बढ़िया लाइन है भाई। कुंबले को जो है मैंने फोन करके कहा, अरे भाई तुम जो है इनके कोच हो, हेड कोच हो, इतने बढ़िया बॉलर रहे हो और तुम्हारी बॉलिंग में जो है लड़के पिट रहे हैं भाई, अच्छे से परफॉर्म कराओ इनसे। उसने अच्छे परफॉर्म कराया, मैंने उसे धमकी दे दी भाई, अगर आप परफॉर्म नहीं कराएंगे मैं जो है आपको इंडिया में नहीं घुसने दूंगा भाई, एंट्री आपकी जो है बैन करा दूंगा मैं, आप कुंबले की एंट्री बैन करा दूंगा भाई। हमारे बहुत शागिर्द हैं, एक फोन मिलाऊंगा जो है उसे एयरपोर्ट से उतरने देंगे भाई, मैं कह रहा हूँ प्लेन से नहीं उतरने देंगे। अच्छा जी, तो वहां पर अगर सेकंड इनिंग्स की बात करें तो पंजाब चेस करने आया मात्र 165 रन का टोटल, लेकिन आते ही जो है धुएंदार पारी खेली केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने, एक बार फिर से 118 रन की पार्टनरशिप बनाई। क्या बढ़िया, क्या अच्छे से खेले ये दोनों खिलाड़ी भाई। कमाल की तो बात यही है और अफसोस की बात यही है कि ये दोनों ही खेल रहे हैं, बस ये दोनों ही खेल रहे हैं, इनका दोनों में जो है कॉम्पिटिशन चल रहा है, ऑरेंज कैप को लेकर जो है कॉम्पिटिशन चल रहा है इनका। ये जो है बेशरम लोग हैं, मतलब इनकी टीम डूब गई
रही है, मतलब टाइटैनिक का जहाज डूब गया है, ये जो है वायलन बजा रहे हैं वहां पे, आहा हम तो ऑरेंज कैप लेंगे, हम तो ऑरेंज कैप लेंगे। अरे भाई, अरे भाई, कितने बेशरम हो यार, आपकी टीम जो है 7 में से 6 मैच हार चुकी है और आप जो है बस अपने रन बना के खुश हैं। अरे टीम को भी जिता दो यार, टीम को भी जिता दो, मतलब ये तो यही हो गया, मां मर गई अंधेरे में और बेटी का नाम रोशनी, क्या जलाओगे इससे, क्या जलाओगे, किसकी जलाओगे, क्या जलाओगे आप, कमाल है। अजीब की तुकबंदी करते हैं यहाँ पर शास्त्री जी, लेकिन अजीब कह रहे हैं आप इसको, सच है भाई, ये आपको नहीं दिख रहा, वो जो है पिछले कल मैच में एसआरएच की कैप लगा के घूम रहा था, वहां पे 12 प्लेयर खेल रहे थे भाई, उन्हीं की तरफ से खेल लेना अगले साल। अरे आपको बताया था एसआरएच की नहीं थी वो कैप, ऑरेंज कैप थी, हाईएस्ट रन स्कोरर। कह रहा हूं भाई, आप सरकाज़म नहीं समझते, आपकी जो है इंग्लिश बहुत वीक है यार, आप ब्रिटिश इंग्लिश सीखिए। अच्छा ठीक है, वो दोनों आउट हुए जब मयंक अग्रवाल और केएल राहुल, तो 22 रन चाहिए थे 18 गेंदों के अंदर, कोई मुश्किल स्कोर नहीं है, लेकिन वहां भी पंजाब की टीम हार गई। हाँ ये होना था, ये होना था, जब आप क्रिकेट में जो है गुल्ली डंडा खेलने वाले प्लेयर लेंगे, मैक्सवेल भाई सीधा बैट चलता नहीं, ऐसे ऐसे करता है वहां पे, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे भाई आपकी बॉल बाउंड्री पे नहीं जाएगी। आज जो है मतलब पाकिस्तान भी हम पे जो है हंस रहा होगा, पाकिस्तान भी हम पे हंस रहा होगा कि भाई इतनी बुरी हार तो जो है कभी हम भी नहीं हारे, हमने बहुत बेशर्मी वाली हार देखी है, ऐसी नहीं देखी हमने, ऐसी नहीं देखी। जी हाँ, काफी बुरी हार थी वो, पंजाब जो है 2 रनों से हार गया, क्या किस्मत है भाई, क्या किस्मत है, किस्मत नहीं है कर्म है भाई उनके, किस्मत कह रहे हो यार आप, कैसे मतलब यार बेहुदा बातें करते हो यार, कर्म है उनके, किस्मत नहीं कहते। पर शास्त्री जी, बॉलिंग आज अच्छी हुई, बैटिंग आज अच्छी हुई, फील्डिंग तो जॉन्टी रोज अच्छी करा ही रहे हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ है, किस्मत ही तो खराब है ना। सही है, तुम किस्मत का रोना रोते रहो बेटा, यहीं बैठे रह जाओगे, काम करो काम, सवाल पूछो सवाल। जी तो बात करते हैं वहां पर कोलकाता की बॉलिंग के बारे में। अब कोलकाता की बॉलिंग ने जो है 2 रन पहले पंजाब की टीम को रोक लिया और जो मैच जीते पड़े थे पंजाब की टीम, वो कोलकाता भाई निकाल लाई अपने बिल्कुल हार के मुंह से, क्या कहेंगे इस बॉलिंग के बारे में भाई। बहुत बढ़िया उन्होंने बॉलिंग की भाई, बहुत बढ़िया उन्होंने बॉलिंग की, और शुरू में बैटिंग अच्छी हुई, लेकिन भाई प्रसिद्ध ने जो है 3 विकेट निकाले, बहुत बढ़िया विकेट निकाले, 3 विकेट निकाले। नरेन ने भी अच्छा किया, पैट कमिंस भाई हमारी गली सुनने के बाद हमें सॉरी वोरी बोला और बढ़िया परफॉर्म कर रहा है अभी, लेकिन भाई कमलेश का जो धुन 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 करके जो स्लोचन लगाया बैट्समैन ने, लंबे लंबे छक्के लगाए भाई, 12-13 का इकोनॉमी रेट उसका आज धुन 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 कमलेश बना दिया उसने, कमलेश बना दिया जी। वहां पर 2 रन से जीती कोलकाता ये मैच पंजाब की टीम से, और यहां समाप्त होता है पहला मैच, दिन का मैच, और दूसरे मैच की हाइलाइट्स के लिए अगली वीडियो पे क्लिक करें, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, प्यार देते रहें बस।